नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। जनबल हापुड़ में तय समय पर खेती की बिजली की सप्लाई नहीं करने से खफा किसानों ने बिजली घर का घेराव कर रोष प्रकट किया। वहीं बिजली घर पर उपस्थित एक्शन ने बिजली घर पहुंचे किसानों को समझा बुझा कर शांत किया। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में स्थित ग्राम जरोठी निवासी किसानों ने बताया कि उन्होंने अपने खेतों में धान की फसल की रोपाई की हुई है। बरसात न होने व पानी की किल्लत के कारण उन्हें अपनी फसल में ट्यूबवेल के जरिए पानी से सींचने की आवश्यकता पड़ रही है। बिजली विभाग द्वारा पिछले करीब कई दिनों से तय समय पर बिजली की सप्लाई नहीं दी जा रही है, जिसके कारण उनकी फसल सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है, जिसको ठीक करवाने के लिए विभाग को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आने वाले समय में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने बिजली विभाग से समय पर बिजली सप्लाई दिए जाने की मांग की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टेनपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा। आज यहाँ बिजली घर का जो घेराव किया है, क्या मामला है? वो इसलिए किया है कि पूरे जनपद में बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है। चार चार दिन से बिजली नहीं है, किसानों की फसल एकदम सूख गई है और किसानों की मूंजी की प्योद फटी हुई है, जो कि वो भी सूख रही है, लगा नहीं पा रहे हैं उसको। अच्छा, अब यहाँ पर क्या किन से मिले हैं आप? आए अब आकर के एक्शन साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं तुरंत इसका समाधान करूँगा। तो वही बिजली विभाग के एक्शन ने बताया कि मौसम खराबी के कारण बिजली बाधित हो रही थी, जिसको ठीक करवाने व जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। महोबा जनपद में भी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया। इस बीच सपाइयों में खासा जोश देखने को मिला। सपाइयों ने केक काटकर पूर्व मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री को जन्मदिन की मुबारकबाद दी, तो वही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन आज महोबा जनपद में बड़ी ही सादगी और गर्मजोशी के साथ मनाया गया। इस बीच सपाइयों में खासा उत्साह देखने को मिला। समाजवादी पार्टी महोबा से जिला उपाध्यक्ष अमित यादव रुद्र की अगुवाई में 2 दर्जन से अधिक सपाइयों ने मुख्यालय के अनाथालय पहुंचकर अनाथ बच्चों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। सपाइयों ने अनाथ बच्चों के साथ केक काटकर पूर्व मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। अनाथ बच्चों के साथ मिठाई, फल और केक वितरण करके बच्चों में भी गजब की खुशी देखने को मिली। इसी पूरे कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे अमित यादव रुद्र ने कहा कि आगामी 2022 में सपा सरकार आने पर नौनिहालों का भविष्य और भी उज्जवल होगा। इसी के साथ उन्होंने भी पूर्व मुख्यमंत्री को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। इसी बीच सपाइयों में खासा खुशी का माहौल देखने को मिला। सपाइयों द्वारा जनपद में अलग अलग जगह फल वितरण और मिठाइयां बांटकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आज उनका 48वां जन्मदिन समारोह था। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारे महोबा जिले के अनाथालय में अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, खुशियां बांटेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले समय में जब हमारे बॉस श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो इन नौनिहालों का भविष्य उज्ज्वलमय होगा। आज हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के सभी हम लोग कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर महोबा अनाथालय में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। बीसीएन न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। किसान यूनियन अंबावता गुट व छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सुल्तानपुर ने ग्रामीणों की शिकायत पर बागिया गांव से बरसिंहापुर जाने वाली सड़कों पर बारिश के कारण बने गड्ढे राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। रोजाना वाहन सवार इन गड्ढों में घिरकर घायल हो रहे हैं। प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं, जिसके विरोध में आज बगिया गांव व बरसिंहपुर रोड धान की रुपाया करके विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उपस्थित भारतीय किसान यूनियन
अम्बावता गुट के उपाध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि बगिया गांव से बरसीपुर जाने वाले मार्ग पर इन दिनों बारिश के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। पहले से खराब इस मार्ग की हालत को बरसात ने और बिगाड़ दिया है। हालत यह है कि रोजाना इस मार्ग पर दुर्घटनाएं हो रही है। यदि यह कहा जाए कि पूरा रोड खेत में तब्दील हो गया है तो गलत नहीं। इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट व स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ग्रामीणों के साथ सड़क पर उतर कर धान की रोपाई कराकर और शासन के विरोध में नारेबाजी की और साथ में कहा कि अगर रोड जल नवीनीकरण नहीं हुआ तो आगामी समय बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो वही SFI के जिला मंत्री सौरभ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। इस बार जनता सब देख चुकी है। विधानसभा चुनाव में सरकार से इसका हिसाब मांगेगी। बीरसिंहपुर रोड पे धान की रोपाई की गई है, क्या है पूरा मामला? मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावत गुट का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूँ, बाबा संदीप श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कि बगिया चौराहा से बीरसिंहपुर तक पूर्ण रूप से ये सड़क जो है जर्जर हो गई है और यहाँ तक कि बीच बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि उसमें से निकलना आना जाना बहुत कठिन हो गया है। और सबसे बड़ी कठिनाई महिलाओं को हो रहा है परसों के समय जो डिलीवरी आ रही, क्योंकि ये समुदाय स्वास्थ्य के जयसिंहपुर को जोड़ती है, यहाँ पर लोग आते हैं दूर दराज से, उनको सुविधाएँ नहीं मुहैया हो पा रही हैं। और जिसको लेकर के हम कई बार जो है यहाँ के तहसील जयसिंहपुर प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और यहाँ तक कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हमारी मौजूदा सांसद हैं, हमारे क्षेत्र की सांसद हैं, उनसे हम लोगों को बहुत आशा और विश्वास रहता है, लेकिन बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी इस जर्जर सड़क को ठीक नहीं कराया जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता में काफ़ी आक्रोश है। और यदि समय रहते हुए गड्ढा मुक्त नहीं कराया गया और जर्जर सड़क को ठीक नहीं कराया गया तो इसको हम एक जन आंदोलन का रूप देंगे, गांव-गांव में जा करके इस मुद्दा को बता करके कि इस जर्जर सड़क को हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लोग नहीं सुन रहे, हमारा प्रशासन हमारे बात नहीं सुन रहा है, आप लोग हमारी मदद कीजिए। और उसके बाद हम लोगों को जागरूक करके इसको जो है एक जन आंदोलन का रूप देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की जिले की प्रशासन और मौजूदा प्रतिनिधियों की होगी। प्रशासन से क्या मांग है अब? प्रशासन से यही मांग है कि ये जर्जर सड़क को तत्काल जो है ठीक कराया जाए। BCN न्यूज के लिए सुल्तानपुर से प्रमोद यादव की रिपोर्ट। शिवराज सरकार के नेतृत्व में दलितों पर अत्याचार अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया है। भाजपा और RSS मिलकर दलितों का जर्मुल नाश कर रहे हैं। हाल ही में निमावार की घटना दिल दहलाने वाली है। इस घटना में एक दलित परिवार के 5 सदस्यों की मौत के घाट उतारकर अपराधियों ने खेत में JCP से गड्ढा खोदकर दिन दहाड़ी गाड़ दिया। लगभग एक डेढ़ पूर्व घटित इस जनघन्य हत्याकांड को भाजपा के खातेगांव विधायक आशीष शर्मा पुलिस पर दबाव बनाकर अपराधियों को खुले तौर पर बचाते रहे। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि नेमावर में दलित परिवार की जघन्य हत्याकांड के आरोपियों को खातेगांव के भाजपा विधायक आशीष शर्मा का संरक्षण प्राप्त था। पिछले एक माह से पुलिस पर दबाव बना रखा था कि दलित परिवारों को खोजने की जांच रफा दफा की जाए। भाजपा विधायक आशीष शर्मा जानते थे कि उनके खास समर्थक सुरेंद्र सिंह चौहान एवं विकास ताम्रकर ने ही पाचू की हत्या करके खेत में JCV से 20 फुट गहरा गड्ढा खोद कर दफन किया है। पिछले एक माह में पुलिस ने जब भी अपराधियों को पूछताछ के लिए बुलाया तब भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव बनाकर अपराधियों को छुड़ा दिया। सारा नेमावार शहर जानता था कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा विधायक और RSS के संरक्षण की वजह से अपराधी बेखौफ थे। इस बीच स्थानीय मीडिया के पत्रकार ने दलित परिवार के गायब होने का मुद्दा जोर शोर से उठाया एवं अपनी रिपोर्ट में यह भी लगभग स्पष्ट कर दिया कि भाजपा एवं RSS का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। इस घटनाक्रम से बौखलाए भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने मीडिया के पत्रकार के खिलाफ ही FIR दर्ज करने के लिए RSS के विकास ताम्रकार एवं कथित भगवान दारियों से पुलिस को मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करने एवं FIR दर्ज करने का आवेदन दिलाया गया, जबकि RSS के विकास ताम्रकार को जनहित में ज्ञापन गायब परिवार को तलाश करने के लिए देना था। यही बात सिद्ध करती है कि महिलाओं के शोषण, बलात्कार एवं
हत्याकांड का मास्टरमाइंड विकास ताम्रकार है एवं भाजपा विधायक का संरक्षण है। संभावना है कि पुलिस के कुछ जवान भी जघन्य हत्याकांड को छिपाने में विधायक का साथ दे रहे थे, वरना यह कैसे संभव है कि जेसीबी से इतना गहरा गड्ढा खोदकर 5 लाशों को दफन किया जाए। इसका साफ मतलब है कि स्थानीय पुलिस के गश्त करने वाले जवानों की भूमिका संदिग्ध है। कथित संभावित मुख्य अपराधी भाजपा विधायक आशीष शर्मा का खास समर्थक एवं सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता है। विधायक के साथ एवं मुख्यमंत्री के पुत्र के साथ अनेक तस्वीरों में होना यह सिद्ध करता है कि भाजपा दलित विरोधी दल है। भाजपा ने दलित हत्याकांड को दबाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन भाजपा का दबाव काम नहीं आया तथा विधायक आशीष शर्मा और अपराधियों का काला कारनामा सामने आ गया। पुलिस द्वारा हत्याकांड के तथ्यों को छिपाकर मनित कहानी बताई जा रही है, जबकि सारा नेमवार जानता है कि यह महिला शोषण एवं सामूहिक बलात्कार का मामला है। पुलिस ने जानबूझकर 47 दिन बाद लाशें निकाली गई, जिससे जांच में सामूहिक बलात्कार की पुष्टि न हो सकी। अपराधियों ने भी सामूहिक बलात्कार के सबूत मिटाने के लिए नमक एवं यूरिया लाशों को गलाने के लिए कट्टू में डाला, जिससे बलात्कार के सबूत मिट जाए। यह सलाह अपराधियों को कानून की जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि दो लड़कियों की उम्र 14 एवं 15 वर्ष थी। महिलाओं के शव भी बिना कपड़ों के मिले हैं, इसलिए अपराधियों को पास्को एक्ट एवं सामूहिक बलात्कार की धाराओं से बचाने के लिए यह षड्यंत्र विधायक के संरक्षण में किया गया। परिवार के साथ चक्का जाम कर रहा था, अभी अंतिम दौर में आपकी क्या बात हुई एडिशनल एसपी से, वो बताएं। अंतिम दौर से पूरे प्रशासन में जो चर्चा हमारी यहाँ पर हो पाई है, हमने ये बोला था कि जो भी आप देंगे हम, जब तक हमें लिखित में सील साइन के साथ हमें चीजें नहीं मिलेंगी, जब तक हम किसी प्रकार से अपने इस आंदोलन को हम लोग स्थगित नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ पर प्रशासन ने हमारी जो बात मानी है कि कल जो है 12 बजे तक 8.5 लाख रुपए पांचों उनके इनके अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। हमने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की थी वो प्रशासन ने मांग लिया, उसके लिए व्यवस्थित कर दिया है। हमने आरोपियों को जो है क्या बोलते हैं इंदौर जेल में रखने के लिए बोला था, उसको मान लिया है। परिवार के लिए एक आवास के लिए हमने बोला था, उसको भी मान लिया है। 3 करोड़ रुपए के लिए हमने उसके लिए भी लिखित में इन्होंने दिया है, प्रस्ताव बना के शासन के लिए भेज रहे हैं। ऐसे करके जो भी हमने मांगे मानी, जैसे आरोपी हैं उनको इंदौर में रखा उसके लिए, और जो भी हमने 14 मांगे मानी थी वो मांगों को प्रशासन ने हमें लिखित में दिया हुआ है। अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाली 5 तारीख को हम लोग पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और हमने सबसे प्रथम मांग की थी, जो विवेचना अधिकारी यहाँ का है, क्या बोलते हैं आपके थाना प्रभारी सेंगर जी, उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ हटाया जाए, क्योंकि वो ये अपने दामाद के जैसे जो है उस अपराधी को अपने साथ लिए घूम रहे थे, और वही अपराधी ने 5 लोगों की हत्या करके बलात्कार करके उनको गाड़ दिया था। और दूसरा सबसे बड़ा कि स्थानीय जो विधायक है आशीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के उससे नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि लो आदिवासी समुदाय की ओर से बोल रहा हूँ कि उन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना मैंने दबाव बना के रखा कि उन्होंने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया, इसलिए ये प्रकरण जैसे इनके ऊपर हुआ है तो इनको भी सह आरोपी बनाना चाहिए आशीष शर्मा को। अभी जो 5 लोग मृत है, बलबीर जी, ये लगातार जो 3 घंटे से पूरा आदिवासी परिवार इस पीड़ित परिवार के साथ चक्का जाम कर रहा था, अभी अंतिम दौर में आपकी क्या बात हुई एडिशनल एसपी से, वो बताएं। अंतिम दौर से पूरे प्रशासन ने जो चर्चा हमारी यहाँ पर हो पाई है, हमने ये बोला था कि जो भी आप देंगे हम, जब तक हमें लिखित में सील साइन के साथ हमें चीजें नहीं मिलेंगी, जब तक हम किसी प्रकार से अपने इस आंदोलन को हम लोग स्थगित नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ पर प्रशासन ने हमारी जो बात मानी है कि कल जो है 12 बजे तक 8.5 लाख रुपए पांचों उनके इनके अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। हमने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की थी वो प्रशासन ने मांग लिया, उसके लिए व्यवस्थित कर दिया है। हमने आरोपियों को जो है क्या बोलते हैं इंदौर जेल में रखने के लिए बोला था, उसको मान लिया है। परिवार के लिए एक आवास के लिए हमने बोला था, उसको भी मान लिया है। 3 करोड़ रुपए के लिए हमने उसके लिए भी लिखित में इन्होंने दिया है, प्रस्ताव बना के शासन के लिए भेज रहे हैं। ऐसे करके जो भी हमने मांगे मानी, जैसे आरोपी हैं उनको इंदौर में रखा उसके लिए, और जो भी हमने 14 मांगे मानी थी वो मांगों को प्रशासन ने हमें लिखित में दिया हुआ है। अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाली 5 तारीख को हम लोग पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और हमने सबसे प्रथम मांग की थी, जो विवेचना अधिकारी यहाँ का है, क्या बोलते हैं आपके थाना प्रभारी सेंगर जी, उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ हटाया जाए, क्योंकि वो ये अपने दामाद के जैसे जो है उस अपराधी को अपने साथ लिए घूम रहे थे, और वही अपराधी ने 5 लोगों की हत्या करके बलात्कार करके उनको गाड़ दिया था। और दूसरा सबसे बड़ा कि स्थानीय जो विधायक है आशीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के उससे नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि लो आदिवासी समुदाय की ओर से बोल रहा हूँ कि उन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना मैंने दबाव बना के रखा कि उन्होंने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया, इसलिए ये प्रकरण जैसे इनके ऊपर हुआ है तो इनको भी सह आरोपी बनाना चाहिए आशीष शर्मा को। अभी जो 5 लोग मृत है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जिस तरीके की दरिंदगी करी गई है,
इससे पूरा समाज नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का हर एक नागरिक आके, और आज जो आंदोलन चल रहा था, बलबीर भाई भी हमारे बीच में, सारे आदिवासी संगठनों ने एक सुर में आवाज उठाई कि जो दोषी है उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, और 2 महीने अगर सरकारी आदमी को विवेचना करने में लगते हैं, न्याय देने में लगते हैं, तो उनको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज जो मांग को लेकर हम लोग आज चक्का जाम करा था, सभी ने चक्का जाम करा था, उन सभी मांगों को मान लिया गया है, और आज लिखित में बलबीर भाई को और हम सबको दिया गया है कि जो विवेचना अधिकारी उसको बदला जाएगा, जो भी दोषी रहेगा उसको यहाँ नहीं, इंदौर जेल में रखा जाएगा, और जो पीड़ित परिवार है उनको पूरी तरह से संरक्षण भी दिया जाएगा, और जो नौकरी की बात है उसमें भी उन्होंने हामी भरी है कि हम जो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अब शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा एक ही सवाल है, अगर आप इस अपनी भांजियों को बचाने की बात करते हैं तो इस बच्ची को भी अपनी भांजी बनाकर आप पूरी इनकी मदद करें, इनके पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है, हर दिन दाड़की पर अपना गुजारा करते हैं, इनको नौकरी भी दीजिए, ये छोटा भाई भी है, आप पूरी इनकी मदद कीजिए, और हम आपको वादा करते हैं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, अगर इनका आपने पूरा इनको न्याय दिया और जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा दी, तो हम सब लोग बिल्कुल आपके साथ हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो वापस से हम जमीन पर उतरेंगे, और पूरे मध्य प्रदेश में हर संगठन, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक संगठन हो, एक साथ एक सुर में इस बहन को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़े। को भारती नामक आवेदिका ने आकर बताया कि 13 मई से उनकी मम्मी और उनकी बहनें और उनकी कजिन सिस्टर और जो भाई हैं वो गायब है, नेमावर बस स्टैंड से किराए से रहते थे। इस पर हमने तत्काल कई टीमें बनाकर इसकी खोजबीन की थी। संपूर्ण जांच में यह तथ्य आया कि जो नेमावर का रहने वाला सुरेंद्र राजपूत नाम का लड़का था, उसका जो रूपाली नाम की लड़की थी उससे प्रेम प्रसंग चलता था, और जब सुरेंद्र की शादी किसी अन्य उसके समाज की लड़की से होने लगी तो यह लड़की इंस्टाग्राम में उस उसके जो मंगेतर है उसके खिलाफ कुछ गलत पोस्ट डाल दी, जिससे यह क्षुब्ध हो गया, और सुरेंद्र राजपूत अपने अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और 5 लोगों को अपने खेत में गड्ढे के नीचे छुपा दिया था। एक और इसका जो मित्र था राकेश खंडवा का रहने वाला, उसको इसने मृतका रूपाली का मोबाइल दे दिया था, और जो बार बार कई लोकेशनों से उसमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले जाते थे, और पुलिस की टीमें बनाकर हम रूपाली समझकर उसको ढूंढते थे। इस तरह यह सुरेंद्र राजपूत बहुत शातिर किस्म का व्यक्ति निकला, और इस घटना का हमने फिर पटाक्षेप। सर, इससे पूर्व में कोई अपराध दर्ज है यहाँ पे थाने में? सर, हो सुरेंद्र राजपूत का भी जो हमने VCNB देखी है उसमें कोई अपराध दर्ज नहीं है। सर, पूरा मामला सर 49 दिन तक सर पुलिस सुराग लगाती रही, पता हाथ नहीं लगी, नाकामी रही सर पुलिस की, और उसके बाद में भी सर अभी पूरे आरोपी सर गिरफ्तार नहीं हुए, चक्का जाम किया सर आदिवासी समुदाय ने, सर इसको लेकर क्या कहना सर आपका? इसमें पुलिस ने इतनी अच्छी विवेचना की है क्योंकि 5 लोग गुम हुए थे और वो एक दलित परिवार के थे, तो हमने ये इसको एक पुलिस टीम भी अनुभागीय अधिकारी की उसमें बनाया था, और इसमें हमने बहुत तकनीकी साक्ष्य और कई जिलों का भी हमने सहयोग लिया, और कई बार टीमें, चूँकि जो रूपाली नामक लड़की थी उसका मोबाइल चालू था, हमको ये था कि हाँ ये जो 5 लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिंदा हैं, और हमारा उद्देश्य था कि इनको पकड़ कर लाएं, क्योंकि आरोपी सुरेंद्र राजपूत इतना शातिर था कि उसने इस कृत्य को अंजाम दिया था और मोबाइल अपने दोस्त को देकर हमको भटकाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं और हम अथक परिश्रम भी कर रहे थे, और इसलिए हमको ये सफलता मिली। BCN न्यूज के लिए देवास से कैमरा पर्सन अजय दुर्वे, महेश वरिवा के साथ अरुण उइके की खास रिपोर्ट। समेली प्रखंड के पश्चिमी चांदपुर पंचायत के नैरिया गांव में लगभग 4 करोड़ की राशि से नियमित विद्युत सब स्टेशन का बरारी विधायक विजय सिंह ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक विजय सिंह ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत निर्मित पावर सब स्टेशन से प्रखंड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुविधा उपलब्ध होगी, जहां भी 33/11 के भी विद्युत पावर हाउस के समेली प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत में बिजली पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव व टोलों तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। इस मौके पर युवा जदयू जिला अध्यक्ष रोशन मंडल, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी, बरारी उपप्रमुख सह भाजपा नेता राजीव भारती, बरारी युवा प्रखंड अध्यक्ष अमित चौधरी, विद्युत विभाग के अभियंता प्रकाश कुमार, प्रदेश महासचिव निवेदिता मंडल, प्रखंड अध्यक्ष राधेश्याम मंडल, कुर्सेला प्रखंड अध्यक्ष योगेंद्र गुप्ता, समेली युवा अध्यक्ष कुमोद कुमार मंडल, अजीत मेहता, गौरव झा, राजीव भारती, अमित चौधरी, गोपाल झा, राजीव चौधरी, हरिबोल कुमार, सुनील शर्मा, भोला मंडल, संजय मंडल, प्रमोद प्रेस, डोराय मंडल, सुभाष कुमार हिटलर, गगन मंडल आदि ग्रामीण व कार्यकर्ता मौजूद थे।
पावर ग्रिड का आज उद्घाटन किया गया है, सर क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि राज्य सरकार का लक्ष्य था कि हर प्रखंडों में पावर स्टेशन बना करके वहाँ पे बिजली मुहैया कराएंगे। तो ये 2020 में ये पावर सब स्टेशन बनकर तैयार था, लगभग 4 करोड़ की लागत से ये बने। लेकिन समस्या ये था कि ये समेली प्रखंड 8 पंचायतों का प्रखंड है और यहाँ पे जो पावर सब स्टेशन बना था यहाँ का सप्लाई बिजली का था कुर्सेला से, जो कि 20 किलोमीटर दूरी से आता था। आए दिन यहाँ पे आंधी में बरसात के दिनों में देखा जाता था कि बिजली 25-25 घंटा दो दो दिन बाधित होता था, तीन दिन तक बाधित रहता था। तो राज्य सरकार ने यहाँ पर पावर हाउस स्थापित कर दिया गया है। अब आज से विधिवत अब यहाँ के लोगों को रामनगर है, नरैया है, अन्य पंचायत भी है, अन्य पंचायतों को भी इसको जोड़ा जाएगा क्योंकि 8 पंचायत है यहाँ पर समेली। तो आज ये विधिवत यहाँ पर इस पंचायत नरैया के जो चांदपुर है और अगल बगल रामनगर जो पंचायत वार्ड है, इस सभी जगहों में ये बिजली यहाँ सप्लाई कर दी गई है। आने वाला दिन 8 पंचायत में कैसे सुगमतापूर्वक बिजली पहुँचे, राज्य सरकार के साथ साथ हम लोग भी चिंतित हैं और इस पर हम लोग काम करेंगे ताकि सरकार 24 घंटा बिजली कैसे आपूर्ति हो और आपूर्ति के साथ उसमें पावर उसके बाद वोल्टेज रहे, बाधित नहीं हो, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर खेतों में बिजली कैसे पहुँचे, तो हर हमारे प्रखंड समेली प्रखंडों का सर्वे करा लिया गया है, हर जगह पोल और की व्यवस्था की जा रही है। आने वाला दिन तार लगा करके हर खेतों में बिजली पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है और आने वाला जो समय होगा हमारे समेली प्रखंड के किसानों को होगा, ताकि लोग जो किस आए दिन जो किरासन है डीजल से, महंगा किरासन डीजल से खेती करते थे, अधिक खर्चा हो पाता था, लेकिन बिजली आ जाने से उसको पैसा ही बचेगा, लोग उसे लाभान्वित। BCN न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता की रिपोर्ट। भागलपुर जगशीदपुर पावर ग्रिड के अंतर्गत सैनो फीडर का 11,000 वोल्ट तार में खराबी आने के बाद लाइनमैन योगेश कुमार द्वारा शटडाउन लेकर कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान शराब फैक्ट्री फीडर का एक तार सैनी फीडर के तार पर गिर गया, जिसे आनंद फानंद में सहयोगी कर्मी द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाकर इलाज कराया गया। शुक्र है कि लाइनमैन का किसी तरह जान बचाया गया। बता दें कि यह घटना विभाग की लापरवाही के कारण हुई है, क्योंकि एक दूसरे तार के ऊपर से तार गुजारा गया है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का सुरक्षा गार्ड नहीं दिया गया है। जोगी भी फीटर ब्रेक डाउन था, उसके कारण SI फीटर मेरा चालू था, उसका स्टेक टूटने के कारण जोगी भी फीटर पे तार आ गया, उसके कारण लाइनमैन को झटका आ गया। ये घटना कब की है? ये घटना 10:30 बजे की। 10:30 बजे रात की? हाँ रात। इसे इस घटना में आप लोग क्या चाहते हैं? अब लाइनमैन इसको ठीक से काम करवाया, लाइनमैन साहब केबल का उसमें कर रहा है, तार केबल केबल लगे और सेफ्टी हो, तार पर तार नहीं रहे। लाइनमैन वहाँ से गिरा, उनका नाम क्या है? योगेश महतो। पिता का नाम? शनिचर मारो। 11,000 शटडाउन लेकर के हम चढ़े थे योगी के फीडर पर करने के लिए, और उसी के दौरान उससे पहले गिरा हुआ था, उसका शराब फैक्ट्री का लाइन उसमें एक फेल मेरा लाइन चालू रह गया था, चढ़े पोल पर काम करने के लिए जैसे ही तार खोले लाइन चालू रह गया। इसका किसका लापरवाही था? लापरवाही था कि शराब फैक्ट्री वाला का तार गिरा हुआ था, पता नहीं चला आप लोग को। आपका नाम क्या होगा? पिता का नाम? गराम लाइन हुआ वो जो तार जोगीवीर गया है ना, उसी में जो है घटना हुआ है रात में, उसका शराब फैक्ट्री वाले का जो है तार गिर गया उस पर, और आदमी काम कर रहा था मेरा लाइन मैन, उसको करंट लग गया, रात में एक घटना हुआ 10:30 बजे के लगभग। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि सेफ्टी किया जाए, इसको लाइन ठीक ढंग से नहीं है, सुचारू ढंग से इसको ठीक करके उसको शराब फैक्ट्री को लाइन दिया जाए। यानी कि पावर ग्रिड में उतना कभी कभी रजौन से भी लाइन इधर घुस जाता है, तो उसको ठीक ढंग से किया जाए। दो जगह क्रॉसिंग और है आगे, उसके कारण से हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। आप लोग क्या क्या मांग है? हम लोगों का मांग यही है कि केबलिंग किया जाए इसको, या नहीं तो सेफ्टी करने के लिए वहाँ आगे केबल कर दिया जाए, जहाँ जहाँ क्रॉसिंग है वहाँ गार्ड लगाया जाए। नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसका लापरवाही है? लापरवाही सर आप जो कहिए, अफसर को कहिए, चाहे जिसको कहिए, चाहे जो काम किया है उसका लापरवाही है। विभाग का लापरवाही आप बोल रहे हैं? जो हो अब विभाग का कहिए, चाहे जो जिसको कहिए, स्टाफ जो काम किया है उसका लापरवाही हो सकता है। जो गिरा उसका हालत कैसा है? हालत उसका ठीक है, दवाई सुइया हम लोग दिलवाए हैं रात में ले जाके, 12-1 बजे तक हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद आए हैं हॉस्पिटल में भी एडमिट कराए, वहाँ भी प्रभारी वगैरह नहीं थे,
तो बाकी प्राइवेट से हम इलाज कराए उनका। बीसीएन न्यूज के लिए भागलपुर से अमरजीत सिन्हा की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेशी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।